हे हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम बैक अगेन। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, लाइक कर देना, शेयर कर देना और हो सके सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना, थैंक यू सो मच। अमेरिकन मार्केट ने आज फिर लाइफ टाइम हाई ब्रेक किया है, डाउ जोन्स ने एक बार फिर। करंट जो मार्केट प्राइस है 41,713 चल रहा है और करंट जो भी टाइम है, जिस टाइम मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ या शूट कर रहा हूँ, 9:30, ठीक है ना। एक्चुअली मैं बिजी था कहीं पर, मैं वीडियो टाइम से अपलोड नहीं कर पाया, थोड़ा लेट हो गया। बात करता हूँ, दूसरा डिस्कशन है यूएस 500 यानी कि S&P 500। गाइस, S&P 500 जो अभी करंट मार्केट प्राइस है 5,655 और इसने भी आज लाइफ टाइम हाई ब्रेक किया है। अंडरस्टैंड करना, पहले डाउ जोन्स ने लाइफ टाइम हाई ब्रेक किया, करंट में S&P 500 ने लाइफ टाइम हाई ब्रेक किया है। एक बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ अमेरिकन मार्केट में बनी हुई है। नेस्डेक की बात करता हूं, नेस्डेक प्लस में है 112 पॉइंट प्लस में है 19,536 और जो US 2000 है, जो यहाँ का स्मॉल कैप इंडेक्स है, वो प्लस में है 1.5%। बस एक ही चीज समझ में नहीं आ रही कि मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ होने के बाद, इतनी पॉजिटिविटी होने के बाद, गिफ्ट निफ्टी माइनस में क्यों है, क्यों उसको ऐसा ऑपरेट किया जा रहा है कि अननेसेसरी, कि जब को सब कुछ पॉजिटिव होता है वो हिलता नहीं है। इन जो ट्रेडर होता है, जो ऑप्शन बायर होता है, उसका खून चूसता है पूरे टाइम। अननेसेसरी निगेटिव है, फ्लैट टू निगेटिव ट्रेड कर रहा है गिफ्ट निफ्टी। और दूसरी बात करता हूं गाइस, दूसरा है S&P VIX। S&P VIX अभी जो चल रहा है 17.15 चल रहा है और ये प्लस में है, और ये नो डाउट, इसमें मुझे कोई डाउट मतलब शॉक नहीं है कि ये प्लस में क्यों है। ये प्लस में इसलिए है क्योंकि एक बड़ा इवेंट लाइनअप है। इंडिया में भी इंडिया विक्स प्लस में था। एक तो इंडिया विक्स बहुत लोएस्ट पे चल रहा है, ये थोड़ी सी गड़बड़ बना के रखी हुई है ऑप्शन सेलर के अकॉर्डिंग। अगर मैं ऐसे ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूं मार्केट में, तो मैं हाई रिस्क की ट्रेड ले रहा हूं क्योंकि इंडिया विक्स मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। 12.5 के आसपास इंडिया विक्स चल रहा है, जो प्रीमियम मुझे सेलिंग का मिल रहा है। अगर मैं दोनों साइड स्ट्रेटल बना दूं सेलिंग का, तो प्रीमियम डिस्काउंट में है। अगर मैं डायरेक्शनल ट्रेड लेता हूं सेलिंग में, तब मुझे प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन बड़ा कंफ्यूज है इस टाइम ऑप्शन सेलर। सबसे ज्यादा डर जो इस टाइम लग रहा है वो ऑप्शन सेलर को लग रहा है। रीजन सबसे बड़ा इंडिया विक्स, इवेंट्स लाइनअप। गाइस, अमेरिका का फेड का अनाउंसमेंट इस बार बहुत मायने रखता है वर्ल्ड मार्केट के लिए, अमेरिकन मार्केट के लिए भी और वर्ल्ड मार्केट के लिए भी बहुत मायने रखता है। क्योंकि अगर फेड ने रेट कट किया तो इंडिया में रेट कट आने वाला है। अब यहां पर क्या क्या कंफ्यूजन चल रहा है उसमें डिस्कशन करता हूं, बाद में आऊंगा कि कल मार्केट क्या रहेगा उस पर क्या डिस्कशन करना है, और जो हमने लॉन्ग स्ट्रेंगल बनाया है फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और हमने जो पुट शॉर्ट दिए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। गाइज, इस टाइम पर एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि जो फेड के चेयरमैन है मिस्टर पावेल, वो रेट कट कितना करेंगे, 0.25 करेंगे या 0.50 करेंगे। अगर 0.25 करते हैं और कमेंट्री पॉजिटिव होती है, वो ये बोलते हैं कि आने वाले टाइम में हम रेट कट और करेंगे, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, तो मार्केट उसको बड़ा पॉजिटिव लेगा। अगर उनकी फेड की पॉलिसी में ये आता है कि वो रेट कट करते हैं 0.50, लेकिन उसकी उनकी कमेंट्री में अगर हल्का सा भी आपको रिसेशन वर्ड सुनाई दे गया, अगर आपने सुना कि उन्होंने मंदी की बात करी है, कि मंदी आने का डर है उनको, ऐसा कुछ उनको उन्होंने शेयर किया, तो मार्केट कोलैप्स करेगा, मार्केट बहुत तेजी से गिरने वाला है। ये यहां तक का जो डेटा है जो मैंने शेयर किया, वो आपको कोई भी यूट्यूबर बता सकता है, और हो मैं जानता हूं पर्सनली, आपने अभी तक जाने कितने यूट्यूबर्स की वीडियो जाकर देख ली होगी और जाकर उनका व्यू अपने माइंड में सेट कर लिया होगा। मैं डिफरेंट बात बताता हूं गाइज, एक बात याद रखना, जो 20 सितंबर से 19 20, ये जो 20 सितंबर से 25 सितंबर तक का टाइम है, यानी कि 30 सितंबर तक का टाइम मान लीजिए, इस ड्यूरेशन में अपनी मार्केट विदाउट हेज कहीं सी साइड भी पोजिशन बना के मत रखना। मैं फेड की पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूं, फेड की पॉलिसी कल आ जाएगी 18 को, उसका इंपैक्ट 19 को आएगा। मैं बात कर रहा हूं 20 से
20 से 30 सितंबर ये 10 दिन के बीच में अगर आप कोई भी पोजीशन बनाते हैं, मैं फिर बता रहा हूं ऐसे ट्रेडर, अगर आप कोई भी पोजीशन बनाते हैं तो उसको विदाउट हेजिंग मत रखना। चाहे आपको कोई लिखकर भी दे, कोई यूट्यूबर आपको लिख कर दे, मैं भी आपको लिख कर दूं, विदाउट हेजिंग किसी भी साइड आप वन साइड पोजीशन मत बनाना, क्योंकि इस ड्यूरेशन में 8 से 10 दिन में मार्केट बहुत बड़ा कोलैप्स कर सकता है या मार्केट बहुत बड़ी तेजी दिखा सकता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, अगर आपको डिटेल जाननी है तो शायद मैं उसके लिए कल सेपरेट वीडियो आपके साथ में शेयर करूंगा। कुछ ऐसा भी है मार्केट में जो मैक्सिमम ट्रेडर यूट्यूबर को नहीं पता है, मैक्सिमम एनालिस्ट को नहीं पता है। ये 20 सितंबर 21 22 23 24 25 ये बहुत मायने रखता है हिस्ट्री में, ट्रेडिंग हिस्ट्री में बहुत ज्यादा मायने है इन 4 5 4 6 डेज का। गाइस मैं 6 से 7 दिन की बात कर रहा हूं, 20 से 26 सितंबर 27 मान लीजिए 28 या 30 तारीख तक ये 10 दिन इक्विटी मार्केट में वर्ल्ड मार्केट में वो मायने रखते हैं जिसका मुझे लगता है कि 5% एनालिस्ट को भी इसके बारे में नहीं पता है। क्यों ऐसा कह रहा हूं उसकी डिटेल मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, लेकिन कल शेयर करूंगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूं अपनी पोजीशन पॉलिसी आने के बाद 20 तारीख से 30 तारीख के बीच में एज ए ऑप्शन बायर, एज ए ऑप्शन सेलर, एज ए इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, आप कुछ भी बाय कर रहे हैं उस पोजीशन को हेज करके जरूर रखना है, जरूर रखना है। फिर मत कहना कि बताया नहीं था, डिटेल में बताऊंगा कल, कोशिश करूंगा कि उसमें मैं आपको वीडियो शेयर करूं जो बाकी सबको नहीं पता। यहां पर डीपली बहुत रिसर्च होती है और जो मैं कह रहा हूं फिर रिपीट कर रहा हूं गाइस, 20 तारीख से 30 दिसंबर 30 सितंबर तक अपनी पोजीशन विदाउट हेजिंग के बिना मत रखना। ये पूरा अपडेट था। अब बात करते हैं कल के सेशन के लिए, कल मार्केट कैसा रह सकता है। मार्केट आज की बात करता हूं, मैंने क्लियर कट बोला था अपनी वीडियो में कि 25,400 आए तो आपको बाय करना है और 25,365 का लो बन लो, वो स्टॉप लॉस लगा देना है। आज निफ्टी का लो देखिए जाके 25,352 लो लगा, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ 10 पॉइंट से, मार्केट ने निफ्टी ने डे हाई बनाया। अगर आपने उस टाइम अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई किया होगा, क्योंकि स्क्रीन पर ट्रेड मैं नहीं लेता हूं, आपने अपने ट्रेड खुद लिए होंगे, मैंने अपने ट्रेड का स्टॉप लॉस एनहेंस किया था, अपने ट्रेड के स्टॉप लॉस को बढ़ाया था अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग, उस टाइम देखकर अपना स्टॉप लॉस चेंज किया था। तो वहां से आपको मिनिमम टू मिनिमम गाइस 40 से 50 पॉइंट मिले और आज के दिन में वही काफी था। वरना आज के दिन ट्रेडर जो भी ऑप्शन बायर है, जो ऑप्शन बायर है वो पूरे दिन स्टॉप लॉस ट्रिगर कराता रहा मार्केट को, कभी कॉल की साइड में कभी पुट की साइड में, दोनों साइड में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। एज ए ऑप्शन बायर अगर हेवी क्वांटिटी में काम किया होगा तो गाइस बड़े बड़े लॉसेस हुए होंगे। आज के टाइम में भी हमने लॉन्ग स्ट्रैंगल बनाया, ठीक है ना, लॉन्ग स्ट्रैंगल बना के हमने पोजिशन को होल्ड किया, नो डाउट उसमें प्रीमियम डीके हुआ, अंडरस्टैंड करता हूं, लेकिन उसमें प्रीमियम ऐड होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर आज के सेशन में भी आपने अगर वन साइड ट्रेड लिया होता गाइस, आपका कैपिटल 50% फिनिश हो गया होता, नो डाउट बार बार ट्रेड लेते, ओवर ट्रेडिंग में लॉस तो अलग होता, उसके अलावा गवर्नमेंट के टैक्सेस आपको अलग देने थे, कंपनी के ब्रोकरेजेस आपको अलग देनी थी, सेबी का घर भी तो आपको ही चलाना था। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट मिलता है। जब बोला गया कि आपको लॉन्ग स्ट्रैंगल बनाना है तो लॉन्ग स्ट्रैंगल बनाइए और उस पोजीशन को होल्ड कीजिए। अच्छी मेरे व्यूअर्स की खास बात ये लगती है कि वो खुद से तो कई कई लाख का लॉस कर लेंगे, ठीक है ना, बड़े बड़े लॉसेस कर लेंगे, लेकिन एक बार मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा तो वो ऐसा हो जाएगा कि क्या हो गया, अरे 150-200 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस नहीं झेल सकते तो क्या झेलोगे आप। ये मार्केट है गाइस, ये मार्केट है, यहां पर प्रॉफिट भी ऐसा ही बनता है और लॉसेस भी ऐसे ही होते हैं। अपना माइंड सेट कर लीजिए, कोई भी परफेक्ट नहीं इस मार्केट में। हाँ, किसकी परसेंटेज हाई है वो डिपेंड करता है। मेरी पोजीशन आपको रात को सोने का हिंट देती है, आपको रिलैक्स फील कराती है, आपका माइंड प्रेशर में नहीं रहता, आप खुद प्रेशर में नहीं रहते, बॉडी लैंग्वेज आपकी जीरो नहीं होती, हर टाइम आप मोबाइल की स्क्रीन को नहीं देखते हो। ये फ्रीडम देता हूं मैं पोजीशन बनवाने के बाद आपको, और प्रीमियम कैलकुलेशन एक बार नहीं गाइस, लास्ट 45 डेज में ऑप्शन बायर पूरी तरह फिनिश हुआ। मार्केट इतना टफ था, अगर कोई ये बोलता है कि उसने ऑप्शन बायर उसको
मार्केट टफ नहीं लगा तो वो दूसरी दुनिया से आया है, वो कहीं और ट्रेडिंग करता है, इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करता है। झूठ मत बोलिए अपने आप से, सच को एक्सेप्ट करिए। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो सच को देखिए जैसा है, जो हकीकत है उसको देखिए और फिर इंप्लीमेंट कीजिए, फिर एक्शन लीजिए। बहुत टफ मार्केट था 45 डेज से, बहुत रेंज बाउंड, बहुत प्रीमियम ईटिंग इतना खतरनाक रहा के अलग ही एक्सपीरियंस एड किया है हमारे ट्रेडिंग करियर में गाइज। दूसरी बात, आपने पोजीशन बनाई, पोजीशन बना के होल्ड कीजिए, बार बार मैसेज करके अननेसेसरी परेशान होने की जरूरत नहीं है। टाइम से आपको अपडेट मिलेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात गाइस, जब आपको टाइम पे पोजीशन बनानी होती है तो आपके पास फंड नहीं होता है, आपको फंड अरेंज करना होगा। आज भी अगर इतने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी अगर इतने कम नंबर से ट्रेडर पोजीशन बना रहे हैं तो क्या फायदा आपको फ्री टेलीग्राम ज्वाइन करने का, और क्या फायदा मुझे आपको फ्री में ट्रेड देने का। अननेसेसरी मैं फ्री में ट्रेड दे रहा हूं, जो कोई नहीं करता वो मैं कर रहा हूं, और मैं फ्री में क्यों सुनूं यार गाइस। आपको ट्रेड लेने चाहिए, आपको पोजीशन बनानी चाहिए और स्ट्रिक्टली उसको होल्ड करना चाहिए, क्या पता किस दिन आपका जैकपॉट लग जाए। तो मार्केट के लिए कल आपको क्या करना है, कल मार्केट का आपको वेट करना है कि मार्केट जो लास्ट का 1.5 घंटा होगा उसमें कैसा रिएक्ट करती है। आप भूल जाइए फर्स्ट हाफ को, प्रीमियम डिस्काउंट में है, प्रीमियम ऐड होगा, पहले सुन लीजिए, प्रीमियम डिस्काउंट में प्रीमियम ऐड होगा। हो सकता है आपको ये दिखाई दे कि कॉल का प्रीमियम भी इंक्रीज हो रहा है और पुट का प्रीमियम भी इंक्रीज हो रहा है, आपको लगे कि ये क्या हो रहा है कि मैंने पुट लिया है मार्केट ऊपर जा रहा है तब भी पुट का प्रीमियम बढ़ रहा है, मैंने कॉल लिया है मार्केट नीचे आ रहा है तो कॉल का प्रीमियम बढ़ रहा है। ये पॉसिबल है, ये कल हो सकता है, इसके लिए आप प्रिपेयर रहना, कंफ्यूज मत होना, मैंने अभी बता दिया। लेकिन लास्ट का 1.5 घंटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट के 1.5 घंटे में आपको यह नोट करना है कि मार्केट किस ट्रेंड में जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट के 1.5 घंटे में मार्केट निफ्टी 50 से 60 पॉइंट वन में भागता है और तेजी से जाता है, मतलब फ्लैट था फिर बाइंग आई। तो यह समझ लेना है कि रात को जो आउटकम आने वाला है वो पॉजिटिव आने वाला है फैट की तरफ से। अगर लास्ट के 1.5 घंटे में मार्केट कोलैप्स करता है, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो अंडरस्टैंड कर लेना कि डेटा पॉजिटिव नहीं आने वाला। इससे सिंपल और सच्चा हिंट आपको कोई नहीं दे सकता है। FIs के डेटा की बात करता हूं गाइस, हम और आप कंफ्यूज नहीं है मार्केट में, मार्केट में FIs भी कंफ्यूज है। कल का डेटा निगेटिव, आज का डेटा पॉजिटिव, क्या चेंज हो गया कल में और आज में, अंडरस्टैंड कीजिए। इस डेटा को पूरा मैनिपुलेट किया जाता है, गिफ्ट निफ्टी को पूरा मैनिपुलेट किया जा रहा है इंडियन मार्केट में, जो कि मतलब सोच से भी परे है कि क्यों गिफ्ट निफ्टी बनाया गया, क्यों S&P SGX निफ्टी को सिंगापुर से उठाकर गुजरात में दिया गया और वहां से इतना ऑपरेट चल रहा है, जैसे चाहे वैसे ओपन करते हैं, जैसे चाहे वैसे बढ़ाते हैं, जैसे चाहे वैसे गिराते हैं, अनबिलीवेबल सा लगता है। सोच से भी परा हो चुका है गिफ्ट निफ्टी का मूवमेंट, मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों उठा के सिंगापुर से गुजरात लाया गया, क्यों सेबी ने ऐसा किया, क्यों किया, इसके बहुत सारे आंसर हो सकता है। एक टाइम के बाद जब ये भी खुलता हुआ नजर आए तो चीजें बहुत लोगों के सामने बहुत सारे क्वेश्चन रेज हो सकते हैं। तो मैं बुलिश था मार्केट पे कल तक के लिए, कल शाम को हम न्यूट्रल जाएंगे मार्केट में। जो भी करना है, जो डायरेक्शन देनी है वो फेड की तरफ से आनी है। फेड अगर निगेटिव होगा मार्केट कोलैप्स करेगा बहुत बड़ा वाला, अगर फेड पॉजिटिव होगा मार्केट बहुत तेजी से जाएगा ऊपर। गाइस जो प्रीमियम अभी शो कर रहे हैं वो प्रीमियम ये शो कर रहे हैं, मार्केट मूवमेंट ये शो कर रहा है कि कुछ भी बड़ा हो सकता है। हो सकता है कल भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ जाए। बैंक निफ्टी में एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग पेंडिंग है, मैं फिर बता रहा हूं, बैंक निफ्टी लास्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशन से प्लस में क्लोजिंग दे रहा है और बार बार लीड करने की कोशिश कर रहा है। HDFC बैंक के लिए जितना बुरा होना था हो चुका है, बैंकिंग के लिए जितना बुरा होना था हो चुका है। सबको पता है कि डिपॉजिट ग्रोथ नहीं आ रही है, जितना निगेटिव और डिस्कशन होना था वो हो चुका है। अब जो भी होगा यहां से पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत ज्यादा है और HDFC बैंक को लीड करना पड़ेगा, क्योंकि FIs जितना सेल कर सकते थे सेल कर दिया, डोमेस्टिक जितना सेल कर सकता था कर चुका है, फंड मैनेजर जितना सेल कर सकते थे कर चुके हैं। बाय किसने किया? बाय किया रिटेलर ने, बाय किया आपने और हमने,
और हम में और आप में इतना दम है कि अगर हम इतनी बड़ी सेलिंग को एचडीएफसी बैंक की बाय कर सकते हैं तो एचडीएफसी बैंक को चला भी हम ही सकते हैं। और एचडीएफसी बैंक यहां से चल के रहेगा, एचडीएफसी बैंक यहां से लीड करेगा, बैंक निफ्टी यहां से रॉकेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बस एक छोटा सा पॉजिटिव टिगर फेड की तरफ से आ जाए और मैं उम्मीद करूंगा वो पॉसिबल है। फेड के चेयरमैन मिस्टर पावेल अमेरिकन मार्केट को वर्ल्ड मार्केट को डिसअपॉइंट नहीं होने देंगे, उसका रीजन क्योंकि 2 महीने के बाद इलेक्शन है। तो उम्मीद करूंगा कुछ बातें आपको समझ में आई होगी। आज लेट वीडियो अपलोड हो रहा है उसके लिए आई एम रियली सॉरी। कोशिश करूंगा, ओवरनाइट कुछ भी होता है, कुछ भी चेंजेस आते हैं, मैं आपके साथ में 100% शेयर करूंगा। एनी हाउ गाइज, एक बात याद रखना, यहां पर आपको झूठ और फ्रेब नहीं मिलेगा इस चैनल पर। जो होगा, जो सामने दिखाई देगा वही बताऊंगा, अननेसेसरी फालतू का डिस्कशन नहीं करूंगा। मुझे नहीं लगती चार्ट की अभी जरूरत, मुझे टेक्निकल की जरूरत नहीं लगती, तो नहीं डिस्कस कर रहा हूं, नहीं डिस्कशन करूंगा आने वाले टाइम में जब तक मुझे कॉन्फिडेंट नहीं आता है। तो ये पूरा अपडेट था मार्केट को लेकर, नजर बना के रखना, कल लास्ट का 1.5 घंटा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फिर से गाइस, चैनल का नाम बहुत जल्दी चेंज होने वाला है क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल के नाम से बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं जहां पर इन्वेस्टर को, एक ट्रेडर को झूठ बोलकर डबल डिजिट में उनका प्रॉफिट दिखाने के चक्कर में उनका पैसा लूट लिया जा रहा है। तो बहुत जल्दी हो सकता है वीकेंड पर हम नाम चेंज करें। बाकी जो उन्हें सपोर्ट करते हैं उनका थैंक यू सो मच, आपका प्यार बेशुमार मिलता है। उम्मीद करूंगा कुछ बातें आपको समझ में जरूर आई होगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।